यार मैं आया था लाहौर तो सोचा क्यों ना HBL से, यार मैं आया था लाहौर तो सोचा क्यों ना HBL PSL का फाइनल भी देखा जाए। तो मैं हूँ इस वक्त लाहौर में और मेरे पीछे चल रहा है HBL PSL का फाइनल। मेरे साथ कुछ लड़के हैं, मैं इनसे पूछता हूँ किसके आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज भाई कौन जीतेगा? I saw standing in the street alone. प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इनका, पता नहीं आवाज आ रही नहीं आ रही। अक्सर लोग अक्सर लोग लाहौर के सपोर्टर्स हैं, लेकिन जो फैन फॉलोइंग मैंने भी रिजवान और शाहनवाज दानी के देखा है मुल्तान सुल्तान के हवाले से, मैं कहता हूँ उस अगर आज मुल्तान भी जीतती है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुल्तान सुल्तान नंबर में और आज रिजवान इंशाल्लाह ट्रॉफी उठाएगा और जीतेगा। आज जो मुझे लग रहा है ना, आज लोगों ने अपनी दोस्तियां छोड़ दी हैं। आज एक तरफ है मुल्तान सुल्तान और एक तरफ है लाहौर कलंदर्स, एक तरफ है शाहीन शाह अफरीदी और एक तरफ है रिजवान। तो अभी देखते हैं कि आज किसका पलड़ा भारी होगा और कौन जीतेगा। देखिए जी, कोई भी जीतेगा, सबसे बड़ी जीत पाकिस्तान की जीत। ये चीज टॉस हो गया है, टॉस लाहौर ने जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। तो अभी देखते हैं कि फखर जमान एंड कंपनी आज क्या करती है, और फाइनल मैच है तो अभी देखते हैं कि डिसीजन कैसा रहा उनका। भाई से पूछते हैं कि भाई का क्या कहना है। जी भाई, यार पहले बैटिंग कर रही है हमारी, यार पहले बैटिंग कैसे करेंगे हम यार? कैसे क्यों यार? देखो अगर हम बाद में बैटिंग करते ना फिर कुछ सीन होना था, मगर आपको सीन ही लग रहा हूँ। नहीं नहीं, हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दो सौ रन पक्के हैं आज, डिफेंड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा टॉस के बारे में सर से पूछते हैं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए लाहौर की स्ट्रेंथ जो है वो बेटर बॉलिंग है। अच्छा, इसलिए वो चाह रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर करके उनको कम से कम स्कोर में जो आउट कर लेंगे। मतलब जैसे हाँ जी, इनकी बॉलिंग जो है ना बहुत बेहतर है, इनको अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा ट्रस्ट है, बैटिंग इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे ही ऊपर से तीन या चार लोग आउट होते हैं इनकी बैटिंग फ्लॉप कर देती है। आज क्या लगता है बॉलिंग में कौन चलेगा? शाहीन अफरीदी का दिन है या हारिस राउत? नहीं, शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी। और बैटिंग में? बैटिंग में मुझे लगता है कि आज फिर विजय। हो चुका है और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं कुछ बोल सक रहा हूँ भाई। मैच
मैच देखते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। पावर प्ले कंप्लीट हो चुका है, 3 विकेट गिर चुकी थी लेकिन हफीज ने आकर थोड़ा सा संभाल लिया है। अभी देखते हैं कि आगे कोई पार्टनरशिप लग जाए तो अच्छा स्कोर बन सकता है। अच्छा मैच चल रहा है, उम्मीद है कि 160 प्लस होगा ताकि फिर बॉलर्स के लिए कुछ बन सके। हाफिज अभी तक खड़े हैं 50 प्लस पे, तो आज उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारी लाहौर कलंदर ने 180 का स्कोर दिया, हर 181 का टारगेट दिया है, इंशाल्लाह यही जीतेंगे, यही जीतेंगे और लाहौर जिंदाबाद, लाहौर लाहौर है, लाहौर है। दोनों दोस्त क्या बताएंगे यार, ये मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर हिम, लेकिन हमारा इंशाल्लाह लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर। सर 181 टारगेट है, क्या कहेंगे सर? 181 इंशाल्लाह रिजवान और उसके साथ जो सारे 11 सुल्तान हैं वो आज आपको यहाँ चेज करके सारे लाहौर वालों से बंदा खेला लड़ रहा था, इससे पूछते कहाँ से है वो भाई? भावलपुर से। भावलपुर से मुल्तान सुल्तान को खेले सपोर्ट कर रहे हो? रोज सपोर्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान ही जीतेगा। 181 बड़ा टारगेट नहीं है? नहीं कोई टारगेट नहीं है, जब 200 तक टारगेट है तो 181 कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह पक्की बात है, फिर करेंगे इंशाल्लाह। गॉड ब्लेस। सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम जी लाहौर कलंदर स्पेशली उसके लिए आए हैं। ये चीज हाँ जी, ये रहे मैं और मेरा बेटा, मेरा बच्चा, सारे सर आए। अच्छा अच्छा दस ओवर हो गए हैं और स्कोर है 58, 4 विकेट गिर चुकी है। मुल्तान वालों की आखिरी उम्मीद जोड़ी रोजा और टिम डेविड खड़े, जबकि लाहौर के लिए आखिरी खतरा हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि आज लाहौर ही जीतेगी। क्या लगता है भाई, लाहौर ही जीतेगी ना? लाहौर ही जीतेगा भाई।
का गेम बाकी है और तकरीबन 100 प्लस रन चाहिए। तकरीबन लाहौर कलंदर्स वाले अभी 99% श्योर हो चुके हैं कि भाई आज फाइनल उनका है, लेकिन ये है कि अभी सिर्फ टिम डेविड की विकेट चाहिए इनको। अगर टिम डेविड की विकेट मिल गई ना तो फिर लाहौर कलंदर्स वाले अभी से ही मेरे ख्याल से खुशियाँ मनाना शुरू कर देंगे। आखिरी तीन ओवर रहते हैं, रन रेट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि टिम डेविड और खुशदिल अभी तक खड़े हैं, 50 पार्टनरशिप हो गई है। थोड़ा सा लग रहा है कि मैच फंसने के मूड में है, लेकिन अभी शाहिन शाह अफरीदी के आखिरी दो ओवर रहते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। लास्ट चार ओवर रहते हैं, रन रेट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि जोड़ी काफ़ी खतरनाक है। शाहिन शाह अफरीदी ने एक ओवर में दो विकेट ले के मैच का पांचा ही ऑलमोस्ट अपने हक में कर लिया है। अब 18 गेंदे और 61 रन, सर कुछ दिन खड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता अब कुछ होने वाला है। और बॉलर है आर एस राव, तो मेरे तरफ से एडवांस में सबको मुबारक हो, लाहौर कलंदर के फैंस को इंक्लूडिंग मी। कुछ दिन के विकेट के बाद अब तो लाहौर वालों ने जो है ना तैयारी कर ही ली है, अब तो बस रस्मी कार्रवाई रहती है, बाकी सब कुछ तो हो गया। लो रे लो लो रे लो लो रे लो लो रे लो लो रे। Heartbreak, pain, anger, frustration, everything. Now is our time. We've done it. Destiny still alive. Professor.